वेलकम लर्नर्स टू वन अकेडमी फ्लक्स यूट्यूब चैनल। तो टुडे वी विल डिस्कस कैश ऑर्गेनाइजेशन के एक छोटे से क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च किया जो आज से स्टार्ट हुआ है और उसका पार्ट वन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो आप ये मुझे बता दीजिए कि आपको सेशन में ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी क्लियर है कि नहीं है, सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन फॉर टुडे। और यस, पहले ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी तो ही हम स्टार्ट कर पाएंगे, है ना। ठीक है, तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अनअकैडमी पे आपको ये अनअकैडमी फ्लक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जितने भी फ्री क्लासेस की नोटिफिकेशंस आती रहती हैं तो वो आपको मिल जाएंगी अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं गेट एग्ज़ाम की या यूजीसी नेट एग्ज़ाम की, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है, प्राइस हाइक होने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब्सक्रिप्शन अभी इतना इंपॉर्टेंट है गेट एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाती है, आपको अलग से कुछ परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस रेफरल कोड का यूज़ कीजिए हेलो सोनू लाइव और फटाफट से आप इस पर्टिकुलर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्रैश कोर्स ऑन कैश ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट वन आज है, कल पार्ट टू होगा, परसों पार्ट थ्री होगा, तीनों ही सेशन में बने रहना है। तीनों सेशन की टाइमिंग होगी 4 PM की। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं, वो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं पर दूसरे रेफरल कोड से लेते हैं और उनको ये बुक नहीं मिल पाती है। तो आपको ये रेफरल कोड यूज़ करना है अगर आपको ये बुक फ्री चाहिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ, तो इससे 10% का डिस्काउंट भी मिलता है और इससे ये बुक भी मिलती है। तो अगर अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना है तो इस रेफरल कोड से ही करना है। आपका वीकली कॉम्बैट होता है, तो जो नेक्स्ट कॉम्बैट है वो 27 जून को है, सुबह 11 बजे, एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट जिसमें कि 20 questions और 60 minutes की टाइमिंग होती है। और आपको कॉम्बैट में मिलते हैं बहुत सारे सवाल और जिसके लिए अगर आपने सही जवाब तो रैंक और 1, 2, 3 में रैंक अगर आपकी आती है ना तो फ्री में सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकती है। ठीक है, एंड यस, इसको अनलॉक करने का कोड जो है वो अगेन क्या है, हेलो सोनू लाइव है। मान लीजिए आपने इस रेफरल कोड को अगर इंसर्ट किया और आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन विन कर लेते हैं तो आपको ये बुक भी फ्री मिलेगा, सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगी, कोड बस यही होना चाहिए। ठीक है, और यस, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, इवॉल्व बैच फॉर गेट 2022 23 जून से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। तो फटाफट से इस रेफरल कोड का यूज़ कीजिएगा 10% डिस्काउंट के लिए, दैट इज़ हेलो सोनू लाइव, क्योंकि इससे आपको ये बुक भी मिलेगा, 350 SRP बुक भी मिलेगा और 10% डिस्काउंट भी मिलेगा प्राइस हाइक होने से पहले। सो यस, बीट द प्राइस हाइक, ओके। एंड 23 जून से डिजिटल लॉजिक स्टार्ट हो रहा है, तो यस, प्राइस हाइक होने वाला है, कभी भी हो सकता है। और ये प्राइस हाइक इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे नोट्स यहाँ, बहुत सारे डिजिटल नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे अनअकैडमी के थ्रू, तो थोड़ा सा प्राइस हाइक हो रहा है। पर डेफिनेटली सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं अगर आप अभी सब्सक्राइब कर लेते हैं जो कम कॉस्ट में अवेलेबल है। तो बेसिकली मेरे क्या क्या कोर्सेज चल रहे हैं अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का कंप्लीट कोर्स ऑनगोइंग है, इसको बिल्कुल इनरोल कर लीजिए, जो अगेन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है आपके लिए। और ये दोनों ऑनगोइंग है, तो ऐसा ना हो कि कोर्स ख़त्म हो जाएगा और आप बोल रहे हैं कि यार एल्गोरिदम दोबारा रिपीट होगा कि नहीं, तो ऐसा ना हो। तो एल्गोरिदम अभी एकदम रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो प्लीज़ इंश्योर कि आप इसको जल्दी से इनरोल कर लीजिए और डेली लाइव क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। डेटा स्ट्रक्चर भी चल रहा है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, दोनों का वेटेज 20 marks का होता है अराउंड। और अगर आप इस रेफरल कोड से ज्वाइन करते हैं, दैट इज़ हेलो सोनू लाइव, तो आपको ये 350 SRP बुक भी मिलता है और 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। नाउ व्हाट इज़ SRP? अब मैंने एल्गोरिदम का पहला सेशन पढ़ाया, 1.5 घंटे का सेशन था, मतलब कि 90 मिनट्स का। 90 मिनट्स में जो भी मैंने कंटेंट पढ़ाया ना, उसको मैंने 1 page में यहाँ पर लिख दिया ताकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना वो अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो रिविज़न करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है SRP, और ऐसे बहुत सारे पेजेस आपको टोटल 350 मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको एल्गोरिदम सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना हो, आप टोटल 16 pages से एल्गोरिदम पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज़ कर सकते हो अगर आपने मेरे कंप्लीट लेक्चर्स देखे हैं तो। ठीक है, और ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के मैं यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज SRP प्रोवाइड करती हूँ। बट हाँ, इस बुक को लेने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ, जस्ट यूज़ द रेफरल कोड हेलो सोनू लाइव,
ओके एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले ली है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने किसी फ्रेंड को रेफर कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आप ये कोड यूज़ करो, तो आपके फ्रेंड को भी ये बुक मिलेगा और आपको भी ये बुक मिल जाएगी। ऑल्सो ये बुक रेन्यूअल्स के लिए नहीं है, ये बुक सिर्फ गेट एंड ESC कैटेगरी में जो सब्सक्राइब करेगा अनअकैडमी को सिर्फ उसके लिए है और रेन्यूअल्स के लिए नहीं है। मेरे बहुत सारे कंप्लीट कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं अनअकैडमी पे, जैसे कि मैंने आपको बताया डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, ठीक है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं लाइक सी प्रोग्रामिंग, टॉक, डिस्क्रीट, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS। तो ये सारे के सारे कोर्सेज जो हैं वो आप मेरे देख सकते हो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बाद, ठीक है। तो ये बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं, ये कुछ ही मैंने आपको दिखाए हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। 2017 से ज्वाइन किया था अनअकैडमी सबसे पहले, तो 2017 से लेकर के 2021 तक जितने भी कोर्सेज हैं वो सब आप मेरे एक्सेस कर सकते हो, और आगे आने वाले कोर्सेज तो लाइव आपके चलते ही रहेंगे। तो देयर विल बी टू प्लान्स, प्लस एंड आइकॉनिक। अगर आप प्लस को चूज़ करते हैं तो ये प्लानिंग्स हैं। आइकॉनिक की कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि आइकॉनिक में पर्सनल कोच भी होता है, प्लस में नहीं होता है। मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपको मॉनेटरी इशू है तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, अगर आपको मॉनेटरी इशू नहीं है तो आप आइकॉनिक लीजिए। प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों का ही प्राइस बहुत ही जल्दी इंक्रीज होने वाला है, विद इन दिस वीक 1-2 दिन में हाइक हो जाएगा। और इसका सबसे मोस्ट रिकमेंडेड प्लान होता है 1 ईयर का और 6 मंथ का। तो मैं आपको बोलूँगी 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए क्योंकि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर आप इस रेफरल कोड का यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है और 1 ईयर का कॉस्ट हो जाता है 27,000, ठीक है, यूजिंग द रेफरल कोड हेलो सोनू लाइव। और ये प्राइस हाइक तो आपको बता ही है, बाकी इस बुक के बारे में मैंने आपको बता दी कितना इंपॉर्टेंट है ये बुक, ठीक है, एंड दिस बुक इज़ फॉर गेट कैटेगरी। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैश ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। कैश ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें जो बेसिक तरीके से आपको पता होनी चाहिए वो हम देखने वाले हैं। तो पहले व्हाट इज़ मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट क्या होती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेमोरी यूनिट क्या होती है? सभी लोग कमेंट करके क्या बता सकते हैं कि मेमोरी यूनिट क्या होती है, क्योंकि कैश ऑर्गेनाइजेशन आपके मेमोरी हायरार्की में आता है एंड कैश इज अगेन अ मेमोरी, इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी एक मेमोरी है, तो मेमोरी यूनिट क्या होता है? मेमोरी यूनिट हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। किस चीज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं? तो एक ऐसा एसेंशियल कंपोनेंट जो डिजिटल कंप्यूटर में यूज़ करते हैं सो दैट कि हम प्रोग्राम्स और डेटा को स्टोर कर सकें। प्रोग्राम्स और डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेमोरी यूनिट को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब कैश मेमोरी से पहले सवाल ये आता है कि मेन मेमोरी क्या होता है। कैश मेमोरी से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेन मेमोरी क्या होता है। मेमोरी तो पता चल गई, कुछ भी चीज़ को स्टोर करना दैट मीन्स की मेमोरी, बट मेन मेमोरी इज व्हाट? कैन यू टेल मी कि मेन मेमोरी क्या होता है? तो मेन मेमोरी एक ऐसा मेमोरी होता है जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है CPU के साथ, ठीक है, और जो भी चीज़ आपको तुरंत चाहिए होती है वो मेन मेमोरी होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क, ये सारे आपके ऑक्सिलरी मेमोरी में आते हैं और ये उन प्रोग्राम्स को स्टोर करता है, उन डेटा को स्टोर करता है जो बहुत ही बड़े होते हैं, लार्ज डेटा फाइल्स को, लार्ज प्रोग्राम्स को, सारी चीज़ें ये स्टोर करता है, ठीक है। ऑक्सिलरी को हम एडिशनल मेमोरी भी कहते हैं। व्हाट इज कैश मेमोरी? नाउ फाइनली हम कैश मेमोरी तक पहुँचे, जो हमारा एक टॉपिक है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डिटेल्ड में। तो कैश मेमोरी एक स्पेशल हाई स्पीड का मेमोरी होता है जिसे हम यूज़ करते हैं ताकि हम स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग को इंक्रीज कर सकें बाय मेकिंग करंट प्रोग्राम्स एंड डेटा अवेलेबल टू CPU एट रैपिड रेट। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि CPU से डायरेक्टली कम्युनिकेट करने वाला जो मेमोरी होता है वो मेन मेमोरी होता है, और मेन मेमोरी में हम वही डेटा स्टोर करवाते हैं जो हमें करेंटली नीडेड होता है। बट क्या मेन मेमोरी से डेटा हमें CPU के द्वारा जल्दी मिल जाता है? अगर CPU को कोई फाइल रीड करनी हो, फॉर एग्जांपल CPU वांट्स टू रीड द फाइल ऑफ श्वेता कुमारी,
तो वो चीज़ उसको मेन मेमोरी से मिल जाएगी, पर वो उतनी स्पीड में नहीं मिल पाएगी जितने स्पीड में कैश मेमोरी उसको दे सकता है। तो सीपीयू की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो बहुत हाई होती है, और मेन मेमोरी की जो एक्सेसिंग टाइम होता है वो बहुत कम, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा स्पीड का, ये कम स्पीड का, तो इनकी स्पीड की जो मिसमैचिंग है उसको ओवरकम करने के लिए कैश मेमोरी को हम यूज़ करते हैं इन बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ओके, तो कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम क्योंकि बहुत फास्ट होता है, इसलिए हम कैश मेमोरी को यूज़ करते हैं सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम बहुत ही लेस होता है, ठीक है। तो अगर सीपीयू को जल्दी से डेटा चाहिए ना, तो वो कैश मेमोरी यूज़ करेगा, वो मेन मेमोरी यूज़ नहीं करेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ कैश मेमोरी। जैसे कि मैंने बोला कि सीपीयू डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है मेन मेमोरी के साथ, पर मेन मेमोरी में होती है एक दिक्कत कि उसमें से डेटा निकालने में बड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और सीपीयू अपना बड़ी बहुत ही फास्ट है, वो वेट नहीं करता, ठीक है। सीपीयू को चाहिए जल्दी वाला, और जल्दी वाला जो है वो कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी जल्दी से डेटा ला करके सीपीयू को दे सकता है, इसीलिए कैश मेमोरी को हम यूज़ करते हैं बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। वो क्या करता है कैश मेमोरी, कि जो स्पीड मिसमैचिंग हो रही है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच की, उसके स्पीड मिसमैचिंग को ओवरकम करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर जो डेटा हम ट्रांसफॉर्म करते हैं कैश और सीपीयू के बीच में, कैश और सीपीयू के बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, तो उसको हम वर्ड ट्रांसफ़र कहते हैं। बट जब हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन द कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी, यानी कि ये वाला, तो उसको हम कहते हैं क्या, फॉर्म ऑफ ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक ट्रांसफ़र होता है इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में वर्ड ट्रांसफ़र होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। नाउ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कौन सा मेमोरी है जिसको हम एम्प्लॉय करते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स में टू कंपनसेट फॉर द स्पीड डिफरेंशियल बिटवीन मेन मेमोरी एक्सेस टाइम एंड द प्रोसेसर लॉजिक। अभी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बताया है कि कौन ऐसा मेमोरी है, तो कैन यू टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Yes, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कैश मेमोरी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, कैश मेमोरी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि कैश मेमोरी को हम यूज़ करते हैं ताकि हम सीपीयू का जो लॉजिक है वो बहुत ही फास्ट होता है मेन मेमोरी से, और मेन मेमोरी के एक्सेसिंग टाइम बड़ा स्लो होता है, तो इसीलिए इन दोनों में जो मिसमैचिंग हो रही है उसको ओवरकम करने के लिए कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। अब सवाल ये बनता है कि अभी मैंने आपको ये बताया कि सीपीयू को पसंद है कैश मेमोरी मेन मेमोरी से ज़्यादा, क्योंकि इसके स्पीड से मैच करती है, पर ऐसा क्यों, कैश मेमोरी जो है वो फास्टर क्यों है मेन मेमोरी से, इसका भी तो कोई ना कोई रीज़न रहा होगा कि कैश मेमोरी इज़ फास्टर देन मेन मेमोरी। व्हाई इट इज़ फास्टर देन मेन मेमोरी, कैन यू प्लीज़ टेल मी। इट इज़ स्टोर्ड जस्ट अबव द सीपीयू, नितीश का आंसर यहाँ पर आ गया है कि वो क्योंकि जस्ट अबव द सीपीयू स्टोर होता है, वो सीपीयू के ज़्यादा क्लोजर होता है, इसीलिए कैश मेमोरी फास्टर होता है देन मेन मेमोरी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सभी लोग, क्योंकि जो भी सीपीयू के करीब होता है, नियर होता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि कैश मेमोरी सीपीयू के पास है तो कैश मेमोरी की स्पीड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी। बिल्कुल सही आपने बोला। नेक्स्ट है कि ठीक है, जैसे कैश मेमोरी जो होता है वो मेन मेमोरी से ज़्यादा स्पीड का होता है, और आप लोग बोल रहे हैं रजिस्टर्स, तो ये सवाल भी उठता है कि रजिस्टर्स ज़्यादा फास्ट होती हैं कि कैश मेमोरी ज़्यादा फास्ट होता है। देन प्लीज़ टेल मी, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो कौन ज़्यादा फास्ट होगा।
अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, रजिस्टर्स और कैश मेमोरी को, तो इन दोनों में ज़्यादा फास्ट कौन सा होगा? कैश मेमोरी। रजिस्टर्स, रजिस्टर्स तो सीपीयू के अंदर स्टोर की जाती हैं। सीपीयू के अंदर हम रजिस्टर्स को स्टोर करते हैं, और फिर यहाँ पर कैश मेमोरी, फिर यहाँ पे मेन मेमोरी होता है। मतलब कि तो यही हुआ ना कि रजिस्टर्स आर फास्टर देन कैश मेमोरी। यस, क्योंकि रजिस्टर्स तो सीपीयू के अंदर ही होती हैं। ठीक है, तो रजिस्टर्स ज़्यादा फास्ट होती हैं। आई होप ये बात क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो लेवल वन कैश फास्टर होता है कि मेन मेमोरी से? जब कैश मेमोरी फास्टर होगा मेन मेमोरी से, तो L1 कैश भी होगा फास्टर मेन मेमोरी से। एग्जैक्टली देखो, सीपीयू यहाँ पे होता है, यहाँ पर कैश मेमोरी होता है जिसके लेवल्स होते हैं। तो ये लेवल 1 कैश मेमोरी है, ये लेवल 2 कैश मेमोरी है, और फिर ये मेन मेमोरी है। तो अब आप बता सकते हो कि किसकी किससे ज़्यादा स्पीड होती है, क्योंकि L1 कैश जो है वो सीपीयू के करीब है, तो L1 कैश की स्पीड ज़्यादा होगी, फिर L2 कैश की स्पीड मेन मेमोरी से ज़्यादा होगी। बट वाइल कंपेयरिंग L1 एंड L2 कैश, हम ये कह सकते हैं ना कि L1 कैश की स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि L1 कैश सीपीयू के पास है। तो यस, ये हायरार्की भी आपको याद होना चाहिए। L1 कैश जो होता है वो यूजुअली सीपीयू के अंदर होता है। ठीक है, तो अगर हमें सीपीयू से कम्युनिकेट करवाना हो L1 कैश को, तो हमें कोई बसेस या कोई वायर्स की ज़रूरत नहीं होगी। ऑब्वियसली वो ज़्यादा फास्टर होगा। बट वही है कि अगर सीपीयू को मेन मेमोरी से बात करना हो, तो हमें कलेक्शन ऑफ वायर्स का हेल्प लेना होता है, जिसको हम बस भी कहते हैं। तो वो चीज़ थोड़ा बहुत ही फास्ट नहीं हो पाएगा जितना फास्ट आपका कैश हो सकता है। कौन सा टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ मेमोरी इनसाइड अ सीपीयू इज द स्लोएस्ट? कैन यू प्लीज टेल मी कि कौन से टाइप की मेमोरी को हम सबसे स्लोएस्ट मेमोरी कहते हैं? सुभाष, स्निग्धा, नीतीश, निशा, रेखा, मणि, लक्की हीरो मैजिक। लक्की हीरो मैजिक, ये कैसा नाम है, क्या नाम है आपका? पूनम एंड मलथी का आंसर भी, मतलब पूनम एंड मलथी ने भी ज्वाइन किया है। ठीक है, तो स्निग्धा का आंसर आया वर्चुअल मेमोरी, और सुभाष का भी वर्चुअल मेमोरी आया है। क्या वर्चुअल मेमोरी सबसे स्लोएस्ट टाइप का मेमोरी होता है? सभी स्टूडेंट्स प्लीज आंसर कीजिए। तो बिल्कुल, कौन से टाइप का मेमोरी जो है वो सबसे स्लोएस्ट होता है इनसाइड द सीपीयू? तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, जो अपना टिपिकल कंप्यूटर होता है ना, उसमें 3 टाइप की मेमोरी होती है। एक कैश मेमोरी, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है वर्चुअल मेमोरी, जिसमें कि हमको ये तो पता चल गया है कि जो हमारा कैश है वो सबसे फास्टेस्ट होता है और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। जो चीज़ फास्ट होती है ना, वो सबसे ज़्यादा महंगी भी होती है। और जो रैम होता है अपना मेन मेमोरी, वो बहुत ही स्लो होता है। स्लो होता है तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, कम खर्चा करता है। पर वर्चुअल मेमोरी जो होता है ना, वो सबसे स्लोएस्ट होता है, सबसे स्लोएस्ट, और सबसे कम दाम का भी होता है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी, बिल्कुल सही बोला था आप लोगों ने। अब सवाल ये उठता है कि वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी के बीच में, मैंने ऑलरेडी आपको डिफरेंस वैसे तो बता दिया है कि कैश मेमोरी सबसे फास्ट होता है, वर्चुअल मेमोरी सबसे स्लो होता है। वर्चुअल मेमोरी क्योंकि स्लो होता है तो वो कम एक्सपेंसिव होता है, और कैश मेमोरी क्योंकि ज़्यादा फास्ट होता है तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इन 2 पॉइंट्स को हटा दो साइड में और मुझे डिफरेंस बताओ कुछ एक्स्ट्रा इन दोनों के बीच में। तो टेल मी, मैंने 2 डिफरेंस देखो खुद ही बता दिए हैं, आप मुझे एक्स्ट्रा डिफरेंसेस बताओ इनके बीच में क्या होगा। वर्चुअल मेमोरी इज़ स्लो, ये हमको पता है, ये मत बताइएगा। ये फास्ट होता है, ये होता है आपका चीप, और ये होता है आपका एक्सपेंसिव। फटाफट से बताइए। वर्चुअल और सेकेंडरी मेमोरी सेम होते हैं? सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है अभिषेक, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? बताओ, इट्स डिफरेंट, क्योंकि
यू कांट से दैट कि वो दोनों इक्वल होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं. हाँ हम ये कह सकते हैं कि जो आपका वर्चुअल मेमोरी होता है, एक ऐसा एरिया होता है कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज का. जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज क्या होती है, हार्ड डिस्क होती हैं, तो उनका एक एरिया होता है वर्चुअल मेमोरी, और वो एक तरीके से एक्ट करता है कि ये जो है वो सिस्टम के रैम में है या प्राइमरी मेमोरी में है. समझ रहे हो? तो वर्चुअल मेमोरी क्या करते हैं, वो हार्डवेयर को यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, ठीक है, और वो टेम्परली क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं रैम से डिस्क स्टोरेज में. तो ये बात है. तो पहली बात तो ये कि वर्चुअल मेमोरी का काम ही होता है कि वो कंप्यूटर को अलाउ करता है कि आप सेकेंडरी मेमोरी को ट्रीट करो कि वो मेन मेमोरी हो गया है. क्या करता है वर्चुअल मेमोरी अलाउ करता है अपने कंप्यूटर को कि आप ट्रीट करवाइए कि सेकेंडरी मेमोरी जो है वो आपके मेन मेमोरी में है. दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्चुअल मेमोरी. ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर होता है जो आपके रैम में जो डेटा होती है उनको ट्रांसफ़र करता है डिस्क स्टोरेज में, मूव करता है डेटा को. ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंसेस हमारे सामने आ गए हैं. वेरी गुड. चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंसेस और भी अच्छे से. तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये वाला पॉइंट बोला है जो मुझे जानकर के खुशी हुई कि वर्चुअल मेमोरी जो होता है वो मेन मेमोरी की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है. ठीक है, बल्कि कैश मेमोरी जो होता है वो स्पीड पे काम करता है. ये कैपेसिटी पे काम करता है और ये स्पीड पे काम करता है. वर्चुअल मेमोरी कोई मेमोरी यूनिट नहीं है, ये एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है. और कैश मेमोरी एग्जैक्टली एक मेमोरी यूनिट है जो डेटा को स्टोर करवाता है. जो साइज़ होती है वर्चुअल मेमोरी की वो बहुत ज़्यादा होती है, बल्कि कैश मेमोरी की बहुत कम होती है. एंड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो वर्चुअल मेमोरी को मैनेज करता है by transferring the data from RAM to disk storage, and on the other hand hardware जो है वो manage करती है कैश मेमोरी को. virtual memory में जो program होता है जिसकी size main memory से ज़्यादा होती है, वैसे program जो main memory से ज़्यादा size के, वो program आपके execute हो सकते हैं virtual memory by creating an illusion कि आपके पास memory main memory से भी ज़्यादा है. while in cache memory जितने भी रिसेंटली जो डेटा बार बार यूज़ कर रहे हो सिर्फ उसी को हम यहाँ पर स्टोर करते हैं और उसी को हम कॉपी करते हैं इनटू द मेन मेमोरी. तो अब हम मेमोरी हायरार्की को देखेंगे और वहाँ पे देखेंगे कैश किस पोजीशन पे अपने आप को स्टैंड करता है. तो मेमोरी हायरार्की एक हायरार्की होती है मेमोरी की और स्टोरेज डिवाइसेस की जो कंप्यूटर सिस्टम में पाए जाते हैं. तो आपके पास ये रहा सीपीयू और सीपीयू के अंदर होती हैं रजिस्टर्स, तो इसको लेवल ज़ीरो हम कहते हैं. फिर सीपीयू के करीब में आता है कैश लेवल वन में, फिर मेन मेमोरी लेवल टू में, फिर सेकेंडरी स्टोरेज लेवल थ्री में और टर्शियरी स्टोरेज लेवल फोर में. तो ये मेमोरी हायरार्की होती है. ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे कैसे कॉस्ट इंक्रीज होता है, कैसे कैसे टाइम डिक्रीज होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले जानना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मेमोरी हायरार्की को यूज़ करने का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों ये मेमोरी हायरार्की को पढ़ रहे हैं. हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें स्पीड में डेटा मिल जाए, फटाफट से डेटा मिल जाए, कम से कम कॉस्ट में मिल जाए. यही सबकी होती है रिक्वायरमेंट आजकल इंडिया में, तो यही रिक्वायरमेंट है सबकी, ओवरऑल द वर्ल्ड भी ऑब्वियसली, कि भाई डेटा स्पीड में मिल जाए पर कॉस्ट बहुत कम हो, है ना. तो वही हमारे मेमोरी हायरार्की का भी गोल है और ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कि सबसे पहले हम लेवल ज़ीरो को डिस्कस करने वाले हैं. तो लेवल ज़ीरो में हम डिस्कस करेंगे सीपीयू रजिस्टर्स को, जिसका एक्सेस टाइम बहुत ही कम होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बहुत छोटा होता है साइज़ में, और इसको हम फ्लिप फ्लॉप से इम्प्लीमेंट भी करते हैं. अब देखो इसमें महंगाई की क्या बात थी, इतना छोटा है, छोटे से साइज़ का है, पर महंगा कितना है ना. महंगा क्यों है, क्योंकि इसमें सबसे खास बात ये है कि आपका काम फटाफट हो जाएगा, कम देर में हो जाएगा. ठीक है, इसलिए ये महंगा है, छोटा है, कम देर में काम करेगा ना, तो छोटा ही तो होगा, अगर बड़ा हो जाएगा तो कम देर में काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, फ्लिप फ्लॉप के हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं. अब हम लेवल वन पे चलते हैं जो कैश मेमोरी है. कैश मेमोरी क्या करता है कि वो स्टोर करता है प्रोग्राम को, उस प्रोग्राम को जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं.
लाइक फॉर एग्जाम्पल हम बार बार unacademy.com वेबसाइट को खोल रहे हैं, हम बार बार unacademy flux यूट्यूब चैनल को खोल के देख रहे हैं कि आज कौन से एजुकेटर की क्लास है, बार बार मैं वही काम कर रही हूँ, मतलब जो चीज़ मैं बार बार एक्सेस करूँगी वो चीज़ मेरे कैश मेमोरी में स्टोर हो जाती है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर फिर से मैं unacademy flux यूट्यूब चैनल को विजिट करूँ तो फटाफट से मेरे सामने आ जाए, उसको सर्च करने मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। तो एक्सपेंसिव भी होगा ना, जब इतनी मेहनत कर रहा है कि आप जो बार बार सर्च करते हो उसको वो स्टोर कर रहा है, तो मेहनत तो लगी ना, तो एक्सपेंसिव भी होगा, महंगा, इसलिए ये महंगा है और छोटा भी होता है साइज़ में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आप बार बार कोई एक ही चीज़ देखोगे या एक या दो फेसबुक चला लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, या unacademy.com से पढ़ लोगे या यूट्यूब से पढ़ लोगे, तीन ही चीज़ आप बार बार एक्सेस करोगे, एक स्टूडेंट तो यही कर सकता है, तो वही चीज़ आप बार बार एक्सेस कर रहे हो तो छोटे से कैश मेमोरी में वो चीज़ स्टोर हो जाती है। इसलिए कैश मेमोरी छोटा भी होता है पर मेहनत करता है, और इसलिए एक्सपेंसिव भी होता है। अब लेवल टू पे आते हैं। लेवल टू है आपका मेन मेमोरी, जो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है सीपीयू के साथ। सीपीयू के साथ कम्युनिकेशन मेन मेमोरी डायरेक्टली कर सकता है, पर वही है, मेन मेमोरी बड़ा होता है साइज़ में, वो उन चीज़ों को नहीं देखता कि हाँ भाई हमारा जो है, मतलब कि यहाँ पे कस्टमर वो बार बार किस चीज़ को एक्सेस कर रहा है, वो ये नहीं स्टोर कर पाता मेन मेमोरी। मेन मेमोरी ये चीज़ स्टोर नहीं कर पाता है, इसीलिए वो लेस एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि मेहनत भी तो नहीं कर रहा ना, तो फिर महंगाई क्यों होगी। ओके, स्क्रीन ब्लर आ रही है, यस टेल मी, स्क्रीन ब्लर तो नहीं आ रही है मेरे साइड पे, तो नहीं ब्लर आ रही है शालू, एक बार पेज को रिफ्रेश करने की कोशिश कीजिए। एंड अगर सेशन अच्छा लगता है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जब तक ये नहीं होगा तब तक जो चीज़ें होंगी आपको और भी अच्छी तरीके से नहीं मिल पाएंगी, है ना, तो और भी अच्छी तरीके से चीज़ें चाहिए, तो अपना मोटिवेशन बना कर रखिए। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो लेवल नंबर 3 है उसको हम डिस्कस करते हैं, जो है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आप धीरे धीरे देख रहे होंगे कि यहाँ पर तो बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा था, यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे थोड़ा सा यू नो लेट काम होना शुरू हो गया, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर टाइम डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए ऐसे है, टाइम कम है तो ऐसे है, सिंपल सी बात है ना, ऐसा तो याद हो जाएगा आपको। हाँ कल भी क्लास होगी, कल भी ठीक इसी वक्त 4 बजे क्लास होगी, परसों भी 4 बजे क्लास होगी, और क्रैश कोर्स ऑन कैश ऑर्गेनाइजेशन हमारा परसों तक चलेगा, तो आप लोग 4 बजे बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा हम लोगों को इस चैनल पे, ठीक है। और कल का तो लॉन्च भी हो गया है क्लास, तो वहाँ पे जा करके आप सेट रिमाइंडर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लेवल 2 तक हमने जानकारी ले ली है, लेवल 3 में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज को, जिसको हम बैकअप करने के लिए यूज़ करते हैं, डेटा बैकअप करने के लिए, है ना, मैग्नेटिक डिस्क फॉर एग्जांपल। तो ये जो होता है ना सेकेंडरी स्टोरेज, वो फ्यू टेराबाइट में होता है, इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, मेन मेमोरी से भी बड़ा टेराबाइट्स में होता है, और क्योंकि मेन मेमोरी से भी बड़ा होता है तो ये तो और भी कुछ, मतलब कि इसको होश नहीं रहने वाला है कि कौन सा डेटा मेरा कस्टमर बार बार एक्सेस कर रहा है, तो वो तो कुछ भी ध्यान नहीं रखेगा, जब कोई मेहनत ही नहीं करेगा तो कॉस्ट भी बहुत कम होगा। लेवल नंबर 4 पे आता है आपका मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो है वो लेवल नंबर 4 में आता है, जो टर्शियरी स्टोरेज के हिसाब से हम लेते हैं, और ये रिमूवेबल फाइल्स को स्टोर करता है, ये सबसे ज़्यादा चीप होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, जिसका साइज़ होता है 1 से लेकर 20 टेराबाइट्स में, 1 to 20 टेराबाइट्स में ये होता है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाना चाहिए कि ऊपर से नीचे जाते वक्त टाइम जो है वो आपका बढ़ रहा है, और नीचे से ऊपर आते वक्त कॉस्ट जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज़ द मेमोरी हायरार्की, जहाँ पे कैश मेमोरी यहाँ पर स्टैंड करता है, ठीक ठाक लेवल है, कॉम्पिटिशन में अपने आप को स्टैंड कर पा रहा है, क्योंकि ये फास्ट है, भले एक्सपेंसिव हो, भले छोटा हो, पर काम जल्दी कर रहा है। लेवल 3 एक बार और बता दूँ, लेवल 3 में हमने डिस्कस किया लक्की हीरो सेकेंडरी स्टोरेज को, जिसे हम यूज़ करते हैं बैकअप करने के लिए अपने डेटा को। होते हैं ना व्हाट्सएप बैकअप स्टार्ट हो जाते हैं कि जो भी मैसेजेस हैं उनका एक बैकअप रख लो, कि
कि वो मैसेजेस अगर डिलीट हो गए हैं तो एक बैकअप रहेगा हमारे पास, तो वही चीज़ है। और ये जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है वो आपके प्राइमरी स्टोरेज से भी ज़्यादा बड़ा होता है साइज में, और जितना ज़्यादा बड़ा होगा साइज में उतना चीप कॉस्ट का होगा, इतना ध्यान रखिएगा। साइज भी यहाँ पे मैटर करती है, यहाँ पे साइज भी क्या हो रहा है आपका, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं साइज हमारा इंक्रीज हो रहा है, साइज हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सारे लेवल्स ऑफ द मेमोरी तो डिस्कस हो ही गए हैं, ठीक है। अब हम कैश मेमोरी को डिस्कस करेंगे, जो हमारा अल्टीमेट गोल है इस क्रैश कोर्स का। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सीपीयू के अंदर रजिस्टर होती हैं जिनका एक्सेस बहुत फास्ट होता है, पर रजिस्टर्स बहुत कम होती हैं नंबर्स में, इसीलिए हमें एक मेमोरी यूनिट को यूज़ करना ज़रूरी पड़ गया जिसे हम कैश मेमोरी कहते हैं, जो अगेन बहुत ही फास्ट होता है। पर इसे हम इसलिए यूज़ करते हैं कैश मेमोरी को, ताकि हम सीपीयू को ऑपरेट कर सकें उसके स्पीड पे, ताकि हम कैश मेमोरी को उस स्पीड पे ऑपरेट कर सकें जिस स्पीड पे सीपीयू ऑपरेट करता है। सीपीयू को अगर जल्दी डेटा चाहिए तो मेन मेमोरी एकदम धीरे धीरे डेटा उसको ला कर के देगा, तो अपने सिस्टम की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी ना। तो सीपीयू बोलता है कि मैं बहुत ही फास्ट हूँ, मुझे फास्ट डेटा दो, तो कैश मेमोरी बोलता है कि मैं तुमको फास्ट डेटा ला करके दूंगा, तो इसलिए कैश मेमोरी आ गया यहाँ पे। और कैश मेमोरी क्योंकि जल्दी डेटा देता है तो वो एवरेज टाइम को रिड्यूस कर रहा है। डेटा को लेने के लिए अगर हमें डेटा चाहिए तो ऐसा नहीं कैश मेमोरी एकदम पावरफुल है, कोई बंदा है जो पावरफुल है स्पाइडरमैन टाइप का जो आ गया और आपको ला करके डेटा दे रहा है। डेटा आपका मेन मेमोरी से ही आएगा, क्योंकि मेन मेमोरी में पूरा डेटा होता है। कोई भी डेटा अगर कैश मेमोरी को मिल रहा है तो वो मेन मेमोरी से मिल रहा है, और कैश मेमोरी फिर जल्दी से वो सीपीयू को ला करके देता है। तो वो चीज़ क्या है, कैश मेमोरी का एडवांटेज है कि यहाँ से डेटा हमें जल्दी मिल रहा है, ठीक है। और कैश मेमोरी में जो भी चीज़ हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं वो स्टोर होता है। Now what are the types of cache? अब cache के भी types होते हैं, there are so many types of cache. तो एक होता है primary cache और एक होता है secondary cache. Primary cache जो होता है वो processor यानी कि CPU के chip पे ही located होता है, और ये बहुत छोटा सा होता है। इसका access time जो होता है वो बिल्कुल registers की तरह ही होता है। You can say that कि primary cache is your register जो CPU के अंदर ही store होती है, वही प्राइमरी कैश होती है, उनका स्पीड भी रजिस्टर्स जितना ही होता है। और सेकेंडरी कैश जो होता है वो हम रखते हैं सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, जो कैश रखते हैं ना उसको हम सेकेंडरी कैश कहते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी कैश इज प्लेस्ड बिटवीन द प्राइमरी कैश एंड रेस्ट ऑफ द मेमोरी एंड इट इज़ देखो यहाँ पर प्राइमरी कैश है, क्योंकि सीपीयू के अंदर जो होता है वो प्राइमरी कैश होता है, ये सेकेंडरी कैश है। तो वही तो बोला कि सेकेंडरी कैश जो है वो प्राइमरी कैश और रेस्ट ऑफ द मेमोरी के बीच में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं लेवल टू कैश कहते हैं, लेवल टू कैश कहते हैं। और लेवल टू कैश को भी हम ऑफन हाउस करते हैं सीपीयू के चिप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैश में लेवल्स ऑफ कैश के साथ हम डिस्कशन अभी थोड़ा सा करने वाले हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, एक बार मुझे बता दीजिए। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसका कल पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा। और ऐसे अगर आपको पावरफुल सेशंस चाहिए तो वो डेली भी हो सकते हैं आपके चैनल पे, बस वो है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा ना। अभी आप बोलोगे मैडम रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि मुझे लग रहा है आपकी लाइव परफॉर्मेंस से, तो नीतीश बोल रहे हैं कि अभी तक तो उनको कोई डाउट नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स को क्या लगता है, आपको डाउट है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अब इस टॉपिक को, जो है अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अभी तक तो सब कुछ बेसिक में चल रहा था, तो कैश क्या होता है अभी हमने डिस्कस किया है, एवरेज टाइम को रिड्यूस करता है। और मल्टी लेवल कैश क्या होते हैं, एक ऐसा टेक्निक जो कैश के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है बाय रिड्यूसिंग द मिस पेनल्टी।
अब कैश मेमोरी ऐसा नहीं कि उसमें कोई कमी नहीं है, ऑब्वियसली उसमें भी कमी है कि उसमें मिस पेनल्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मिस पेनल्टी क्या होता है? ठीक है, माना आपका सीपीयू है यहाँ पर, यहाँ पे कैश मेमोरी है, मेन मेमोरी है। अब कैश मेमोरी जो डेटा देगा ला करके सीपीयू को, वो भी तो डेटा मेन मेमोरी से उसको लाना पड़ेगा ना। तो मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में डेटा लाने का जो वक्त होता है उसको हम मिस पेनल्टी कहते हैं। और अगर ज़्यादा टाइम लग गया आपकी कैश मेमोरी को मेन मेमोरी से डेटा लाने में, तो वो सीपीयू को क्या शक्ल दिखाएगा अपना? फिर वो सीपीयू को कहाँ से डेटा ला करके देगा? उसको भी तो मेन मेमोरी से लाना पड़ेगा ना। तो वही बात है, जो मिस पेनल्टी है ना, वो कभी कभी ज़्यादा जब हो जाती है तो कैश का परफॉर्मेंस वैसा ही हो जाता है जैसा कि मेन मेमोरी का था। तो अगर मुझे कैश के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो कोई ना कोई टेक्निक तो लगानी पड़ेगी। तो हमने यूज़ किया मल्टी लेवल कैशेस टेक्निक, जिससे हम इस चीज़ को, यानी कि मिस पेनल्टी वाला जो टाइम है मेन मेमोरी से कैश मेमोरी तक डेटा लाने के जो वक्त होता है उसको हम कम कर सकते हैं अगर हम मल्टीपल लेवल के कैश को यूज़ करें तो। ठीक है, तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एग्जांपल को देखते हैं, जिसमें कि हम दो केसेस को अभी डिस्कस करेंगे। तो पहला केस पहले डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे मैंने कैश मेमोरी का यूज़ ही नहीं किया है। देखते हैं यार, कैश अगर यूज़ नहीं होता तो क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने सीधा रखा सीपीयू और मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रखा मेन मेमोरी को। तो इस केस में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि सीपीयू को रिक्वायरमेंट है कि वो 10 बार मेमोरी को एक्सेस करने वाला है, क्योंकि उसको 10 फाइल चाहिए, मेन मेमोरी से 10 फाइल चाहिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ठीक है, तो 10 बार मेमोरी को रेफर करेगा वो, सिंपल सी बात है। ठीक है, जितनी ज़्यादा वो मेमोरी को एक्सेस करेगा उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस उसका डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि मेमोरी को रेफर करने में लगता है बहुत कॉस्ट। बट अगर मैं दूसरे केस में कैश मेमोरी को यूज़ कर लूँ सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, और वही चीज़ बोलूँ कि अगेन सीपीयू को 10 मेमोरी रेफरेंस की ज़रूरत है क्योंकि उसको 10 फाइल चाहिए, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? तो सीपीयू यहाँ पर डायरेक्टली मेन मेमोरी को रेफर नहीं करेगा क्योंकि अब उसके पास है कैश मेमोरी। तो पहले वो चेक करेगा कि जो डेटा सीपीयू को चाहिए फाइल नंबर 1, वो क्या कैश मेमोरी में है। अगर कैश मेमोरी में है तो इसका मतलब तो ठीक है, हिट हो गया। बट अगर कैश मेमोरी में नहीं है तो मिस हो गया कैश में। सपोज मान लीजिए कि फाइल नंबर 1 से लेकर के फाइल नंबर 7 तक सीपीयू को सारा फाइल जो है वो कैश मेमोरी में मिल जाता है। देखिए, टोटल 7 हिट हो गए और 7 फाइल्स के लिए सीपीयू को मेन मेमोरी को रेफर करना भी नहीं पड़ा, पर बाकी जो 3 फाइल थे ना, फाइल नंबर 8, 9, 10, वो कैश मेमोरी में नहीं मिल पाया। तो वो चीज़ ढूंढने के लिए सीपीयू को मेन मेमोरी के पास जाना पड़ेगा। 3 मिस हो गए कैश मेमोरी में, और उसके लिए उसको मेन मेमोरी को 3 टाइम्स एक्सेस करना पड़ेगा। तो आपने देखा, जब कैश मेमोरी नहीं था तो मुझे 10 टाइम्स मेमोरी को रेफर करना पड़ रहा था, पर जब मैंने कैश मेमोरी को यूज़ किया तो मुझे सिर्फ 3 टाइम्स मेन मेमोरी को एक्सेस करना पड़ा, और इससे हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो गया। ठीक है, तो क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस पेनल्टी किस तरीके से रिड्यूस हुई है। अब देखो आप, ये तो केस 2 था जिसमें कि सिर्फ मैंने एक कैश डाला। अगर मैं मल्टी लेवल कैशेस को यूज़ कर लूँ तो फिर तो और भी सिस्टम इम्प्रूव हो सकता है। कैसे? देखो, अगेन सीपीयू बोल रहा है कि मुझे 10 बारी मेमोरी को रेफर करना है, मुझे यहाँ पे 10 फाइल्स को एक्सेस करना है। तो क्या होगा कि फाइल नंबर 1 से लेकर के फाइल नंबर 7 तो उसको लेवल 1 कैश मेमोरी में ही मिल गया। ठीक है, लेवल 1 में ही मिल गया, 8, 9, 10 नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पर जो फाइल नंबर 8 जो है ना, वो लेवल 2 कैश में मिल गया। बस जो फाइल नंबर 9 और 10 था वो नहीं मिल पाया। तो फाइल नंबर 9 और 10 के लिए उसको 2 टाइम्स मेमोरी रेफर करना पड़ा। तो नाउ यू कैन सी दैट कि जब हम मल्टी लेवल कैश मेमोरी का यूज़ करते हैं तो फिर तो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि फिर तो मुझे सिर्फ 2 ही बार मेमोरी को रेफ़र करना पड़ रहा है, बल्कि सिर्फ कैश मेमोरी में 3 बार रेफ़र करना पड़ रहा था। और जब कैश मेमोरी नहीं था फिर तो 10 बार मुझे मेमोरी को रेफ़र करना पड़ रहा था। तो जितनी ज़्यादा बार हम मेमोरी को रेफ़र करेंगे उतना ज़्यादा हमारा लॉस होगा, जितना कम आप मेमोरी को रेफ़र करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। यस, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कैश मेमोरी का और मल्टी लेवल कैशेस का?
क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, नोट करने वाली बात जो है वो ध्यान में रखिएगा कि जो अबव हमने 3 केसेस देखे हैं वहाँ पे हमारा मेन जो मकसद था वो यही था कि हम नंबर ऑफ मेमोरी रेफरेंसेस को कम करें। जितना कम हम मेन मेमोरी को परेशान करेंगे, जितना कम टाइम हम मेन मेमोरी को रेफर करेंगे, उतना कम मिस पेनल्टी होगा और उसी से हमारा परफॉर्मेंस यहाँ पर इम्प्रूव होने वाला है सिस्टम का। ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कि इन मल्टी लेवल कैश डिज़ाइन जो लेवल 1 कैश मेमोरी होती है वो सीपीयू के करीब होती है, फिर लेवल 2 कैश मेमोरी होता है अटैच टू द प्राइमरी कैश एंड देन मेन मेमोरी आता है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि लेवल 1 कैश का जो साइज होता है वो लेवल 2 कैश से छोटा होता है और लेवल 2 कैश का जो साइज होता है वो मेन मेमोरी से छोटा होता है। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, जो पूछा गया है बहुत बार, कि इफेक्टिव एक्सेस टाइम निकालो, कि अगर आपने सीपीयू ने कोई फाइल रीड करने की रिक्वेस्ट की है तो उस फाइल को एक्सेस करने में उसको कितना टाइम लगा, तो पहली बात तो सीपीयू को अगर कोई फाइल को एक्सेस करना हो तो वो कैश मेमोरी में देखेगा और कैश मेमोरी में अगर मिल जाता है तो हिट रेट इनटू कैश को एक्सेस करने का टाइम, पर अगर वो फाइल कैश मेमोरी में नहीं मिलता है तो मिस रेट इनटू फिर कहाँ जाओगे, मेन मेमोरी में ही जाना पड़ेगा ना अगर कैश मेमोरी में नहीं मिलेगा तो मिस रेट को इनटू करेंगे लोअर लेवल ऑफ एक्सेस टाइम से। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी सभी लोगों को जो आज के सेशन में मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो इस तरीके से आज के सेशन को कवर करते हैं, ख़त्म करते हैं और कल इसका पार्ट 2 है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। पार्ट 2 कल इसका है कितने बजे, 4 बजे, परसों 4 बजे, तो वो आपको लेना है सेशन ताकि आपको कैश ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से समझ में आ जाए। एंड सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, वीकली कॉम्बैट ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप। सब्सक्रिप्शन के लिए आप देख सकते हैं यार, इतने नए नए बैचेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं गेट 2022 की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको क्या करना है, इसका फ़ायदा लेना है। जो अभी देखो बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ है, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हो कि यार हम लेट हो गए प्रिपरेशन में, लेट नहीं हुए हो, बस ये है कि अगर आप ज्वाइन करते हो अभी तो लेट नहीं होंगे, अगर फिर सोचने लग जाओगे तो फिर लेट भले हो सकते हो। ठीक है, तो मैंने देखा है कुछ बच्चे सच में प्रिपेयर करना चाहते हैं पर वो डिसीज़न ही इतना ज़्यादा लेने लगते हैं कि वो जो स्टार्ट हुआ था वो सब ख़त्म हो जाता है फिर, तो वो है ना, सोचो इतना नहीं, अगर प्रिपेयर करना है तो करना है। अब वो कैसे करना है, वो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके सामने है, इसको ज्वाइन करके करना है। तो यस, देख सकते हो इवॉल्व फॉर गेट 2022 में पूरा, यहाँ पर देखो इतने सारे एजुकेटर हैं, सबकी क्लासेस आप देख सकते हो। 10% डिस्काउंट कोड है हेलो सोनू लाइव, जिससे आपको मेरा बुक भी मिल जाएगा। और ये बुक मान लो आप बाकी सारे जो स्टूडेंट्स जो दूसरे कोड यूज़ करके आए हैं ना, उनका उनका लॉस हो गया है, उनको ये बुक नहीं मिल पाई है। तो मुझे बड़ा दुख होता है जब स्टूडेंट को पता नहीं होता और वो कोई और कोड यूज़ करके आ जाता है। तो अब प्राइस हाइक होने वाला है, तो ये बात बोलने की है, बस मैं क्या बोलूँ कि प्राइस हाइक कोई रीज़न नहीं होना चाहिए आपको सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने का। रीज़न आपका ये होना चाहिए कि आपको पढ़ना है, गेट एग्ज़ाम क्रैक करना है, रैंक लानी है और जल्दी से प्रिपरेशन चालू कर देना है, क्योंकि गेट एग्ज़ाम ऐसा हवा वाला एग्ज़ाम नहीं है कि 2 महीने 3 महीने लगे कॉलेज के सेमेस्टर की तरह निकाल लो, वैसा वाला एग्ज़ाम नहीं है। तो दैट शुड नॉट बी योर रीज़न कि प्राइस हाइक हो रहा है, बट हाँ ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आप यूज़ कर सकते हो कि अगर आपको जल्दी तैयारी करनी तो उसके लिए भी एक बूस्टर है ये, और इसके लिए भी एक बूस्टर है कि पैसे फालतू में अगर खर्च नहीं करने तो अभी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कि आगे चल करके भी लेना होगा तो आप हाई कॉस्ट में लोगे ही, बट वो एक आपका ही घाटा होगा। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का कोर्स मेरा चल रहा है ऑलरेडी, बट हाँ लाइव क्लासेस में आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, बाद में ज्वाइन करोगे रिकॉर्डेड देखोगे वही होगा रोना धोना कि मैडम रिकॉर्डेड में डाउट आ रहा है तो कहाँ जा करके पूछूँ, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है आपको, रिकॉर्डेड में एक ये टेंशन होती है। इसलिए अनअकैडमी आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड करता है, हर दिन 15 से 16 घंटे की क्लासेस होती हैं। अब वो आपकी मर्जी कि आपको किस एजुकेटरी क्लास को फॉलो करना है किसको नहीं। आई एम ऑन अनअकैडमी ऑलरेडी प्रोवाइडिंग ऑल द गेट सिलेबस, ठीक है, सारे सब्जेक्ट में पढ़ाती हूँ गेट के,
तो आपको अगर आप मेरा भी फॉलो करते हो ना तो मोर देन इनफ है, ठीक है। एंड SRP का बेनिफिट आपको पता है ऑलरेडी, अगर आपने मेरे बहुत सारे कोर्सेज देखे हैं। तो जैसे कि एल्गोरिदम अभी चल रहा है, तो एल्गोरिदम की पहली क्लास में मैंने ये पढ़ाया था, जिसमें कि 1.5 घंटे की क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया उसको एक पेज में कन्वर्ट कर दिया, ताकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। अब देख रहे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये पेज, और ऐसे आपको टोटल 350 पेजेस मिलने वाले हैं। और एल्गोरिदम सब्जेक्ट को अगर रिवाइज करना हो ना, तो इतने सारे 16 पेजेस में आप एल्गोरिदम को रिवाइज कर सकते हो, 19 पेज में टॉक को रिवाइज कर सकते हो, कंपाइलर को 5 पेजेस में रिवाइज कर सकते हो। इतना एफिशिएंट नोट्स मैंने खुद बनाया है अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो ये बहुत ही मेहनत से मैंने बनाए, 1 साल मुझे लगा इसको बनाने में। तो ये बेनिफिट पर जो है ना आपका, वो रेफरल कोड हेलो सोनू लाइव से ही मिलेगा। तो यही रेफरल कोड यूज़ करना है, और इस बुक को आप सेम डे रिसीव कर सकते हो। जस्ट आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, ठीक है, मेरी टीम को, कि आपने इस रेफरल कोड का यूज़ किया, दैट इज़ हेलो सोनू लाइव, और स्क्रीनशॉट लेना है उस रेफरल कोड का और मुझे भेजना है इस नंबर पे, तो आपको सेम डे ये बुक आपकी जीमेल आईडी पे मिल जाएगी। अगर आपने कोई दूसरा रेफरल कोड यूज़ कर लिया, उसके लिए भी घबराइए मत, अपने फ्रेंड को बोलिए कि वो इस रेफरल कोड का यूज़ करे, ताकि आपको और आपके फ्रेंड दोनों को उनके जीमेल आईडी में और आपके जीमेल आईडी में ये बुक को लेने का मौका मिले। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन यूजिंग द रेफरल कोड हेलो सोनू लाइव, इस रेफरल कोड से आपको इस बुक को अचीव कर सकते हो, और पूरा 10% डिस्काउंट भी अचीव होगा आपको सब्सक्रिप्शन पे। प्राइस हाइक होने से पहले ले लीजिए, ठीक है। तो प्राइस हाइक हो गया उसके बाद नहीं ले पाओगे, फिर आपको ही लगेगा यार कि प्राइस हाइक हो गया, पहले ले लेते तो अच्छा होता। ये वाली ऑब्वियसली होती है मेंटालिटी सभी में होती है, ठीक है। तो आप ये रेफरल कोड को यूज़ कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए अप्लाइड कोड का, भेजिए इस नंबर पे, और आपको सेम डे पूरा मटेरियल मिल जाएगा 350 SRP का। और मेंटरिंग वगैरह तो मेरी पूरी आपको मिलेगी, आप मेरे पर्सनल गाइडेंस के अंडर होंगे यूजिंग द कोड हेलो सोनू 01। तो ये एक विश्वास, एक ट्रस्ट है जो आप इस कोड को लेकर के आओगे, और वो ट्रस्ट जो होगा वो मेरा होगा, ठीक है। सो ऑल्सो ये बुक जो है वो रिन्यूअल्स के लिए नहीं है, अगर आप रिन्यू करके आते हैं ना तो वो नहीं है, न्यू सब्सक्राइबर के लिए है, गेट कैटेगरी के लिए है, UGC नेट कैटेगरी के लिए नहीं है। तो ये पूरा देखो, सारे सब्जेक्ट में पढ़ाती हूँ, सबका स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया है। तो आफ्टर टेकिंग सब्सक्रिप्शन अब सारे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हो, पहले वाले भी और अपकमिंग तो हैं ही, मैं सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करवा रही हूँ। और प्लस एंड आइकॉनिक 2 सब्सक्रिप्शन प्लान है, प्लस अगर आप लेते हो तो ये प्लान्स हैं, 2 साल का लीजिए, सबसे बढ़िया है 2 साल का। तो और आफ्टर यूजिंग द कोड हेलो सोनू 01 यू विल गेट 10% डिस्काउंट, और 1 ईयर का भी ले सकते हो। देखो प्राइस हाइक होने वाला है, ये आप प्लेटफॉर्म पर जाकर के देख सकते हैं खुद ही, और प्राइस हाइक है पता है आपको, ये रेफरल कोड यूज़ करना है, रेफरल कोड यूज़ करके आपको मैसेज करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, कल का सेशन बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। मैं तो बोलती हूँ कि एल्गोरिदम का जो 1 PM वाला सेशन जो होगा ना कल अपने अनअकैडमी प्लस पे, ये वाला जो 1 PM वाला सेशन है इसको भी मत छोड़िएगा, और आज 5:15 PM पे होने वाला डेटा स्ट्रक्चर इसको भी मत छोड़िएगा। फटाफट से सब्सक्रिप्शन लीजिए, पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए, देखिए गेट एग्ज़ाम क्रैक होता है, ऑब्वियसली होगा, मेहनत करो ऑब्वियसली होगा।